नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल्स और एनसीईआरटी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हम लेकर हाजिर हैं अपना लाइव इंटरेक्टिव सेशन लेकर, और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 की, और हमारा विषय है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय वाटर रिसोर्सेज यानी कि जल संसाधन। जल संसाधन की जब भी बात आती है तो हम लोग ये देखते हैं कि हमारे चारों ओर जो जलस्तर बढ़ता जा रहा है समुद्र में, वो एक चिंता का विषय है। पीने का पानी कम हो रहा है, और उसके अलावा सूखे की परेशानी है, कहीं अत्यधिक बाढ़ आ रही है। तो ये सब जल संसाधन के विषय हैं, और मुझे लगता है कि इन सब की ओर सबका ध्यान आकर्षित करना अति महत्वपूर्ण से भी और ज़्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। ऐसे में हमारे शिक्षकों की भूमिका बहुत ज़्यादा मायने रखती है, जो हर दिन ऐसे प्रयास करते हैं, जो सामाजिक विज्ञान के ऐसे विषयों के माध्यम से बच्चों को बताते हैं कि वाटर रिसोर्सेज कितने इंपॉर्टेंट हैं, कैसे उनको संरक्षित और संवर्धित किया जा सकता है। तो हमारा आज का जो ये विषय है, इसे आपको पढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं श्रीमती पुष्पा त्रिपाठी जी। आप वाइस प्रिंसिपल हैं राजकीय सह शिक्षा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय द्वारका की। पुष्पा जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में। और मैं अपने सभी दर्शकों को बता दूं कि आप इस पूरे सेशन को YouTube पर देखेंगे, तो आप कोई प्रश्न यदि आपके जहन में आता है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। कक्षा 10वीं की हमारी ईमेल आईडी जो है dth.class10@cieet.nic.in, इस पर आप ईमेल करिएगा और मैं उसे जो है पुष्पा मैडम के पास भेजूँगा, ताकि वो आपके उस प्रश्न का उत्तर दे सकें। तो हम जल्दी से शुरू करते हैं, और मैं आपसे गुजारिश करूँगा पुष्पा जी कि आज ये भाग दो है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भाग एक में हमने क्या पढ़ा था, संक्षिप्त रूप में आप बताएं, ताकि हम भाग दो की ओर आगे बढ़ें। 20 अगस्त तो ये थे। एक बार हम फिर से नमस्कार करना चाहेंगे, नमस्कार सभी को। 20 अगस्त को एक क्लास हुई थी जल संसाधन पर, जिसमें हमने पढ़ा था कि जल एक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, और पृथ्वी पर जल की उपलब्धता कितनी है, कैसे है, कहाँ है। इसी के साथ हमने पढ़ा था भारत में जल संसाधन की उपलब्धता कितनी है और कैसे है। इसी के साथ हमने देखा था कि भारत जल में जल संबंधी समस्याएं क्या हैं, भारत में जल दुर्लभता कहाँ और कितनी है, और जल प्रदूषण कैसे एक समस्या बनता जा रहा है। ये हमने अपने पिछले उसमें पढ़ा था सेशन में। जी बिल्कुल, और यहाँ पर मुझे लगता है आपकी इन बातों से प्रबंधन और संरक्षण दो बातों का जो है यहाँ पर इल्म होता है, तो ये क्यों आवश्यक है और जल से जुड़ा हुआ ये विषय है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, मैं ये जानना चाहूंगा बच्चों की ओर से। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज कक्षा 10 की 10वीं की पुस्तक जो कि भूगोल से संबंधित है, समसामयिकी भारत के अध्याय 3 जल संसाधन का हम शेष भाग पढ़ेंगे, जिसके मुख्य बिंदु होंगे आज के बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं, उनसे होने वाले लाभ और हानियां, वर्षा जल संग्रहण के विविध तरीके, और जल संरक्षण और प्रबंधन क्यों आवश्यक है, इनके पारंपरिक तरीके क्या हैं। देश के कुछ भागों में जैसे मेघालय में वर्षा जल संरक्षण किस तरह से किया जाता है, साथ ही हम पढ़ेंगे कि आधुनिक समय में जल संरक्षण का महत्व क्या है और इसे क्यों किया जाना चाहिए। तो आपने एक क्वेश्चन किया है सर कि जल संरक्षण एवं प्रबंधन क्यों आवश्यक है। जल एक प्राकृतिक संसाधन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें पृथ्वी पर जो भी जल मिलता है वो वर्षा से प्राप्त होता है, जो नदियों, तालाबों, जोहड़ों, झीलों आदि में इकट्ठा होता है धरातलीय जल के रूप में, और भूगर्भ में जाता है जिसे हम किसी न किसी माध्यम से निकालते हैं। तो इनके पुनर्भरण का एक निश्चित मात्रा होती है, ये नहीं है कि वो अथाह या अनंत है। बिल्कुल। तो जब उपयोग करना हो, उसको हमें व्यय करना हो और उसका जो पुनर्भरण हो, दोनों में एक बैलेंस होना जरूरी है। बिल्कुल। इस हमें जल प्रबंधन को जानना बहुत जरूरी है, साथ ही हम इसे प्रदूषित न करें, इसलिए हमें जल संरक्षण को भी समझना और बच्चों को बताना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। तो चलिए आगे बढ़ें और देखें कि आज भाग दो में हम और क्या पढ़ने जा रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि हमें जो भी पीने का पानी प्राप्त होता है उसका सबसे बड़ा स्रोत जो है वर्षा का जल है, और हम आजकल ये देखते हैं कि जो अब घरों को बनाने की तकनीक है, या जो बांध बनाए जा रहे हैं, या तालाब बनाने के प्रयास हैं, जैसे पहले के ज़माने में कुएं हुआ करते थे, जो कि अब बहुत अमूमन कम दिखाई देते हैं, या हैंडपम्प्स हमको अक्सर रास्ते में दिखाई देते थे, जो अब बिल्कुल ही लगभग ना मतलब
ना दिखने वाला एक उपकरण हो गया है, तो वर्षा जल का जो संग्रहण है वो कैसे किया जा सकता है, वो भी आप बच्चों को समझाएं। उसके बाद उसके पास हम अभी थोड़ी देर में जाएंगे, जरूर वो हमारे उसमें क्रम में आएगा। तो सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी है। जी, जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता के पहले हमें देखना होगा कि जल जो है उसके किसी भी सोर्स में, चाहे वो धरातलीय सोर्स हो या भूगर्भिक स्रोत हो, उसमें जाने का एक मात्रा सुनिश्चित होती है जो कि वर्षा से प्राप्त होती है। अब अगर हम उसमें जाने का पुनर्भरण की जो मात्रा है उससे ज़्यादा हम खर्च करते हैं तो उसकी कमी हमें महसूस होने लगती है। अगर हम उसको प्रबंधित नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा जल होने के बावजूद हमें जब हमें ज़रूरत होती है तो नहीं मिलता है। इसके साथ ही कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे चारों तरफ जल होता है लेकिन हम उसे पी नहीं सकते हैं। जैसे अगर एक प्रदूषित नदी है, प्रदूषित तालाब है जिसमें औद्योगिकरण का या सीवेज का बहुत अधिक गंदगी मिली हुई है, तो जल होते हुए भी हम उसे नहीं पी पाते हैं तो जल की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। और अगर जल की गुणवत्ता में कमी आती है तो न सिर्फ पेयजल की कमी आती है जिसके कारण स्वास्थ्य संबंधी हमारी बहुत सारी दिक्कतें खड़ी होती हैं, अकाल की स्थिति हो जाती है, जीवन को खतरा हो जाता है। इसके साथ ही साथ यह भी जानना जरूरी है कि खाद्यान्न जो हमारे जीवन का मूल आधार है वह भी नहीं मिल पाता है क्योंकि खाद्यान्न के लिए सिंचाई बहुत जरूरी होती है। अगर हम अपनी बात ना करें मानवों की, तो प्राकृतिक पारितंत्र में और बहुत सारे जीव जंतु प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, उनको बचाए रखने के लिए भी जरूरी है कि हम जल संसाधनों को संरक्षित करें, उनका उनकी गुणवत्ता में कमी आने से रोकें, इस संसाधन का ह्रास न होने दें। तो इसलिए जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता बहुत अधिक हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि जल संरक्षण एवं प्रबंधन किस तरह से करें, या क्या आज हमने इसको सोचा है? तो ऐसी बात नहीं है, बहुत पहले से हमारे पूर्वज इसके बारे में सोचते आ रहे हैं। और अगर हम बहुत ज़्यादा दूर न जाएं तो आज़ादी के बाद बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं बनाई गई, बहुत सारी लागू की गई, ये जल प्रबंधन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि नदियों पर बांध बना करके और उनके जल को रोका जाता है। बांध से क्या तात्पर्य है, जैसा कि ये शब्द अपने आप में परिभाषित है कि किसी चीज को बांधना, तो यहाँ बांध से तात्पर्य है कि नदी के जल को एक क्रास यानी एक तरफ से दूसरी तरफ नदी के जल को रोक लेना और उसको अपनी आवश्यकता अनुसार प्रयोग में लाना, ये बांध होता है। तो चूंकि जब हम नदी पर बांध बनाते हैं और उस जल को रोकते हैं तो उससे बहुत सारे उद्देश्य हमारे पूरे होते हैं। सबसे पहले इसे सिर्फ सिंचाई के लिए ही देखा गया था कि सिंचाई होगी, लेकिन बाद में देखा गया कि इससे हम बहुत सारे और उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं, इसलिए इन्हें नाम दिया गया बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं। आज़ादी के पहले से इसकी थोड़ी बहुत शुरुआत हो चुकी थी लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया और इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा था और ये बहुत ही मशहूर उनका कथन हुआ था और ये सिद्ध भी हुए थे, क्योंकि मंदिर क्या करते हैं, वो हमारी इच्छा की पूर्ति के लिए हम वहाँ जाते हैं। और आधुनिक भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं ने हमारे देश के लोगों की बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति की। अब हम देखें कि बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं हमारे देश में कितनी हैं। तो अगर हम देखें तो वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, पूरे देश में बांध फैले हुए हैं, छोटे बड़े बहुत सारे, लेकिन अगर हम बड़े बांधों की बात करें तो भारत में कुल 5,336 बड़े बांध हैं और 411 भी निर्माणाधीन हैं। ये आंकड़े हमें CWC से प्राप्त हुए हैं। और कुछ महत्वपूर्ण बांध हैं यहाँ पे, जैसे भाखड़ा नंगल बांध सतलुज नदी पर बहुत प्रसिद्ध है, पंजाब राज्य में है। ये बच्चों की सुविधा के लिए हमने एक यहाँ पर चार्ट बनाया है जिसमें वो एक नज़र में जान सकते हैं जी। कि इसी तरह से हीराकुंड बांध है जो महानदी पर उड़ीसा में है, टिहरी बांध है जो गंगा पे उत्तराखंड में है, राणा प्रताप सागर बांध चंबल में है, और इस तरह से एक पूरी हम देखते पंजाब में उत्तर से लेकर के
तमिलनाडु दक्षिण तक बांधों की एक पूरी चेन है, ये तो कुछ महत्वपूर्ण है बांध। तो आप नक्शे में भी देख सकते हैं, जब हम बांध की बात करेंगे तो ये ध्यान देने की बात है कि हम नदी जरूर देखेंगे, क्योंकि बांध नदियों पर ही बने हैं। तो अगर हम देखें तो ऊपर पंजाब में भाखड़ा नंगल बांध दिखाई देता है, उसके बाद गंगा नदी पर टिहरी बांध दिखाई देता है, और इस तरह से जैसे भारत में नदियां एकदम फैली हुई नदियों का जाल है, उसी तरह से बांध या बहुउद्देशी नदी परियोजनाओं का भी जाल है। अब सवाल ये उठता है कि बहुउद्देशी नदी परियोजनाओं पर इतना ध्यान सरकारों ने क्यों दिया? तो देखेंगे कि जैसा इसका नाम है कि बहुउद्देशी, यानी बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करता है। यहाँ एक हम देखेंगे सिंचाई, भारत एक कृषि प्रधान देश है हम सभी जानते हैं, अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा भाग कृषि पर निर्भर करता है और कृषि सिंचाई पर निर्भर करती है। तो इन बहुउद्देशी नदी परियोजनाओं से सिंचाई में बहुत सुविधा हुई, यानी नहरें निकाल करके ऐसी ऐसी जगहों पर सिंचाई की गई जहां हम सोच भी नहीं सकते थे। इसके अलावा हम देखें किसी भी देश की जो रीढ़ होती है वो एनर्जी होती है, तो इस बाढ़ की ऊंचाई बढ़ा करके वहां से पानी नीचे टरबाइनों पर गिरा करके विद्युत उत्पादन किया गया, जो न सिर्फ रोजाना की जिंदगी के लिए बल्कि औद्योगिकरण में भी बहुत सहायता हुआ। इसके अलावा जल विद्युत की एक और खास बात है कि इसके उत्पादन में पॉल्यूशन नहीं होता है, प्रदूषण नहीं होता है। अगर हम कोयला आधारित बिजली इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अधिक प्रदूषण होता है। बाढ़ नियंत्रण अगर हम देखें तो बाढ़ नियंत्रण बहुत अधिक इससे हुआ है बहुउद्देशी नदी परियोजनाओं से, और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है दामोदर नदी। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था, यानी सॉरो ऑफ वेस्ट बंगाल, लेकिन जब इस पर दामोदर वैली प्रोजेक्ट बना दिया गया तो बाढ़ की समस्या वहाँ काफी हद तक खत्म। इसके अलावा जब बांध बनता है, नहरें निकाली जाती हैं, तो बड़ी बड़ी नहरें निकाली जाती हैं जो काफी चौड़ाई की होती हैं, तो इन चौड़ी नहरों पर आंतरिक नौ परिवहन यानी जल परिवहन भी संभव हो पाता है, जो कि एक सस्ता सुलभ और प्रदूषण रहित संसाधन है। बहुत बड़ा जलाशय बनता है जब बांध बनाया जाता है, और उन जलाशयों में बहुत बड़े पैमाने पर मछली पालन करते हैं आसपास के लोग, जो उनके आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाता है। औद्योगिक उपयोग में भी आता है, बहुत सारे उद्योग हैं, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि जल किस तरह से उद्योगों में इस्तेमाल होता है, तो जब नदी का जल एक जगह रुकता है तो उन जलाशयों से औद्योगिक उपयोग के लिए भी जल लिया जाता है। और मनोरंजन, ये तो अब लगभग सभी बांधों के साथ, सभी बहुउद्देशी नदी परियोजनाओं के साथ जोड़ दिया गया है कि जहां भी बांध बनाए जाते हैं उस पूरे क्षेत्र को एक बहुत मनोरंजन स्थल के रूप में भी डेवलप किया जाता है। अगर बच्चे जानते होंगे कि कर्नाटक में वृंदावन गार्डन है जी, जो कि कृष्णा पास है, और वो बहुत मनोरंजन स्थल के रूप में बहुत ही मशहूर है। तो ये गलत नहीं होगा कि हम इन परियोजनाओं को बहुउद्देशी नदी परियोजनाएं कहते हैं। ठीक है, अगर हम आगे देखें तो क्या, जैसे किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो बांध से हमें फायदे बहुत हुए जी। लेकिन साथ ही साथ 40-50 साल होने के बाद कुछ महसूस हुआ कि इससे कुछ हानियां भी हैं। अब वो हानियां जो पर्यावरणविदों ने और पारिस्थितिकी के विशेषज्ञों ने देखा कि जब हम जलाशय बनाते हैं, जब बांध को बनाते हैं तो एक बहुत बड़ा जलाशय बन जाता है जो कई किलोमीटर में फैला होता है, तो हम नदी के प्राकृतिक प्रवाह को रोक देते हैं। नदी अपने प्राकृतिक प्रवाह में पर्वतों से या ऊपरी स्थानों से लाए गए अवसाद को आगे आगे ले जाती रहती है, लेकिन बांध बनने के बाद वो अवसाद रुक जाते हैं और तलछटी में जमा होने लगते हैं। धीरे धीरे नदी का तल चट्टानी हो जाता है, और जिससे जो नदी के जलचर हैं, जलीय जीव जंतु हैं, उनके प्रजनन पर असर पड़ता है, और कुछ ऐसे जल जीव हैं जिनके अस्तित्व को खतरा पड़ता हो जाता है। इसके अलावा जब बाढ़ का मैदान बनता है तो जैसे आप इसको एग्जाम्पल में ऐसे समझ सकते हैं कि नदी एक अपनी निश्चित चौड़ाई में बह रही होती है,
जब हम उसके जल को रोक लेते हैं तो वो बहुत दूर दूर तक फैल जाती है। वो उन स्थानों पर फैलती है जहाँ या तो वनस्पतियां होती हैं, जंगल होते हैं, या लोग होते हैं, लोगों के गांव होते हैं, तो वो पूरा डूब क्षेत्र में आ जाता है। तो एक पूरे स्थान का जो प्राकृतिक वनस्पति है, जो एक प्राकृतिक मिट्टी जो विकसित हुई है हजारों लाखों साल में, वो सब उसमें डूब जाती है। तो एक प्राकृतिक जो हैबिटेट होता है वो खत्म हो जाता है वनस्पतियों का। इसके अलावा वो स्थानीय लोगों को उनके मूल निवास से स्थानांतरित करना पड़ता है। इसके इसके लिए बहुत सारे लोगों ने विद्रोह भी किया है, बहुत सारे वो भी चले हैं, इनके विद्रोह के बहुत सारे आंदोलन भी चले हैं। नर्मदा नदी आंदोलन, जिससे मेधा पाटेकर जुड़ी थी, हम लोग भूले नहीं होंगे, बच्चों को जानना चाहिए। बिल्कुल, ये लोग, हाँ, ये लोग आंदोलन करते हैं कि हमें यहाँ से हटाया न जाए जी। मतलब एक तरह से वो मूल निवासियों के बलिदान पर ये बांध बनते हैं। अब ये मूल निवासियों को इन बांधों का डायरेक्ट फायदा भी नहीं मिलता है, क्योंकि फायदा तो बहुत वितरित हो जाता है। विद्युत बनती है जो कि नगरों में चली जाती है और उद्योगों में चली जाती है, सिंचाई होती है, वो उनके खेत नहीं रह जाते हैं, इसलिए उनको सिंचाई का भी फायदा नहीं मिल पाता है जी। तो ये बहुत दिक्कतें हैं जो इन लोगों को होती है। इसके अलावा नहरें निकाल करके, इन जो जलाशय हैं इनसे बड़ी बड़ी नहरें, छोटी नहरें निकाली जाती हैं जो खेतों तक इनका पानी जाता है। तो कालांतर में आफ्टर 40-50 ईयर्स उन खेतों में नदियों के द्वारा लाया गया धीरे धीरे लवण या बालू जम जाती है, इकट्ठी हो जाती है, जो उन खेतों को खराब कर देती है, उनकी उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। अब एक और भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जिस बाढ़ को रोकने के लिए बांध बनाए जाते हैं, कभी कभी यही बांध बाढ़ का कारण बनता है। यानी जब बांध में उसकी क्षमता से अधिक जल भर जाता है तो इंजीनियर उस पानी को छोड़ने पर विवश हो जाते हैं, कि ये मानव निर्मित बाढ़ आ जाती है जी। इसके अलावा जो एक प्राकृतिक रूप से नदी का जल चारों तरफ फैल करके खेतों को उपजाऊ बनाता था, वो प्रक्रिया भी रुक जाती है। अब अगर हम आगे चलें तो यह एक तरीका था जिससे कि हम बाढ़ संरक्षित कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इन समस्याओं को से निकल नहीं सकते हैं अगर हम पारितंत्र और पर्यावरणीय व्यवस्थाओं को ध्यान में रखें और कुछ सावधानियां बरतें तो हम बांध के हानि से उबर सकते हैं। अब जल के प्रबंधन का और आगे दूसरा तरीका है वर्षा जल संग्रह। अभी अभी जाना और हम सभी जानते हैं, ये बहुत ही प्राकृतिक चीज है कि हमें पृथ्वी पर वर्षा से ही जल मिलता है और कोई दूसरा साधन नहीं है। अगर हम धरातलीय बात करें तो धरातल पर जो जल होता है वो नदियों, तालाबों में, झीलों में इकट्ठा होता है या अंडरग्राउंड वाटर यानी भूमिगत जल के रूप में इकट्ठा होता है, और दोनों ही तरह से वर्षा से ही मिलता है। अब सवाल ये है कि नगरों में और कुछ कुछ गाँव कस्बों में भी तालाबों, जोहड़ों, झीलों की संख्या कम होती जा रही है। जैसे अब दिल्ली में हौज खास जगह इसलिए नाम रखा है क्योंकि वहाँ तालाब था, लेकिन आज वहाँ ना तो हौज कोई नहीं है। तो इस तरह से तालाबों की संख्या कम होती जा रही है, झीलों की संख्या कम हो जा रही है, तो उसमें वर्षा का जल नहीं इकट्ठा हो पाता है। और चूंकि बहुत अधिक कंक्रीटेड होते जा रहे हैं हमारे नगर, तो अंदर भी नहीं जा पाता है, इसलिए बहुत जरूरी हो गया है कि हम वर्षा के जल का संग्रहण करें। उसके कई तरीके हैं, जैसे हम चित्र में देख पा रहे हैं कि हैंडपंप के माध्यम से हम जो छत का जल है उसको हम किसी पाइप के सहारे एक पुराने हैंडपंप से जोड़ दें, या हम एक पाइप के सहारे किसी ऐसे कुएं से जोड़ दें जो कि यूज नहीं होता है, तो वो जल जमीन के अंदर चला जाता है और जब आवश्यकता हो यानी वर्षा कम हो रही हो तो हम उसे निकाल कर इस्तेमाल कर सकते। वर्षा जल संग्रहण ऐसा नहीं है कि ये आज का तरीका है, प्राचीन काल से ही लोग जल संरक्षण के महत्व को समझते थे। और अगर हम उदाहरण लें तो पर्वतीय क्षेत्रों में गुल या कुल नाम से नदी वाहिकाएं बनाई जाती हैं, यानी जो मेन नदी बह रही है उससे कुछ वाहिकाएं हम किसान और वहाँ के जनजीवन के लोग अपने खेतों तक, अपने घरों तक निकाल लेते थे, तो नदी का पानी बढ़ जाता था जिससे नदी में क्षमता बढ़ जाती। इसके अलावा जहाँ पर वर्षा कम होती है वहाँ एक एक बूंद इस्तेमाल करने के लिए जोहड़ या तालाब विकसित किए गए हैं। आप देखेंगे कि अगर राजस्थान में जाइए तो बहुत सारे ऐसे जोहड़ मिलते हैं,
बहुत बड़े बड़े तालाब मिलते हैं जहां पहुंचने के लिए बहुत सारी सीढ़ियां उतर करके नीचे जाना पड़ता था। इसके लिए राजा और वहां के जो शासक होते थे वो प्रयास करते थे क्योंकि वहां वर्षा कम होती है, तो मनुष्य ने वहां भी अपने अस्तित्व के लिए इन चीजों को बनाया। और राजस्थान में भूमिगत टांका तो एक नायाब उदाहरण है वर्षा जल संग्रहण और संरक्षण के लिए। भूमिगत टांका का मतलब जैसे टांका टैंक से मिलता जुलता शब्द है, तो जमीन के अंदर एक कंक्रीटेड सीमेंटेड एक संरचना बनाई जाती है काफी गहरी चौड़ी और लंबी, और उसको ढक दिया जाता है। उसमें पानी दो तरीके से लाते हैं, आप चित्र में देख सकते हैं, एक सार्वजनिक टांका है और एक है घर के अंदर। सार्वजनिक टांका में पानी को इस तरह से बनाया जाता है कि आसपास के इलाके से थोड़ा नीचे कर दिया जाता है, तो जो भी वर्षा का पानी होता है वो इसमें चित्र में दिखाई गई टेढ़ी मेढ़ी नालियों के जरिए इस टांके में चला जाता है और सुरक्षित हो जाता है। और जब इसमें वर्षा नहीं होती है या पानी की कमी महसूस होती है तो ऊपर बने एक छेद से पानी निकाल लिया जाता है। इस छेद की व्यवस्था ऐसे भी की जाती है कि आफ्टर सम ईयर मतलब कुछ दिनों बाद इसको सफाई की जा सके, ये सार्वजनिक होता है क्योंकि राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है, इसलिए वहाँ पर कुछ लोग अपने घरों में भी बनाते हैं या घरों के कुछ समूह मिल करके बनाते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि एक पाइप आ रही है और वो पानी उसमें अंदर आंगन में बने हुए टांके में चली जाती है। वो राजस्थान के लोग टांके का पानी पीना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उनके अनुसार उसे वो वर्षा जल को पोलार पानी कहते हैं। आजकल इसमें कुछ कमी आई है वर्षा जल संग्रहण में, राजस्थान में टांका थोड़े कम प्रचलित हो रहे हैं क्योंकि इंदिरा गांधी नहर निकली है और इंदिरा गांधी नहर ने आसपास के कई क्षेत्रों में पानी की कमी को पूरा कर दिया है, लेकिन ये सही लक्षण नहीं है। इंदिरा गांधी नहर अपनी जगह सही है और उसके कारण बहुत फायदे हुए हैं, लेकिन फिर भी सरकारों को चाहिए, लोगों को चाहिए कि वो टांका की अपनी परंपरा बनाए रखें। भारत में वर्षा जल संचयन संबंधी कई नीतियां भी बनाई गई, बढ़ते हुए नगरीकरण और शहरीकरण के लिए और सड़कों की वृद्धि, मैदानों की, मतलब अगर हम शहर में देखें तो बहुत ज्यादा भाग कंक्रीटेड होता है। अब ये जो कंक्रीटेड होता है इसके कारण पानी अंदर नहीं जा पाता भूगर्भ जल में, तो इसलिए सरकार को इसमें दखल देना पड़ा और नीति बनाई गई कि किसी भी भवन, कोई भी घर हो जिसका क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर या इससे अधिक हो वहाँ वर्षा जल संचयन का प्रावधान होना आवश्यक है। इसी के साथ अगर हम एक क्वेश्चन करें कि कौन सा राज्य ऐसा है जहाँ वर्षा जल संग्रहण कानूनी रूप से आवश्यक है, तो ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु में ये नियम बना दिया गया है कि कोई भी घर जिसकी छत पर पानी इकट्ठा हो सकता है वो वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था करेगा ही करेगा। दिल्ली में भी अभी ये कॉलोनियों के स्तर पर है कि जैसे कोई डीडीए का फ्लैट बनता है या कोई सरकारी स्कूल बनता है, अस्पताल बनते हैं, तो उसमें वर्षा जल संग्रहण आवश्यक बना दिया गया है। बच्चे अगर देखेंगे उनके स्कूलों में तो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा होता है। इसके अलावा कुछ और भी तरीके हैं जो आजकल इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली है। यानी ये इसमें किसी सरकार का वो नहीं है, पारंपरिक ज्ञान के कारण जो वो हैं किसान लोग या वहाँ के लोग बांस को इस तरह से व्यवस्थित करते हैं, जैसे आप चित्र में देख सकते हैं कि बांस को इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि झरनों का, नदियों का, ऊंचाई पर बहते स्रोतों का या वर्षा का पानी चैनलाइज हो करके इसी बांस के सहारे, बांस को अगर बीच में आप चीर दीजिए तो उसमें एक पाइप जैसी संरचना होती है जी, उसके हाँ नीचे मैदानी उन भागों में आ जाती है जहाँ खेत होते हैं, तो ये पानी सीधे जाकर के खेतों में पौधों की जड़ों पे पड़ता है। बहुत अच्छा जनरल साइंस का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है इस चित्र के द्वारा। हाँ, तो आप इसमें चित्र में एक तरफ देखेंगे इसकी संरचना है और दूसरी तरफ वास्तविक चित्र है, जो ये एक लोगों के अपने ज्ञान को आप देख सकते हैं कि उन्होंने आवश्यकता पड़ने पर किस तरह से साइंस बिना पढ़े ही साइंस कि वो गुरुत्वाकर्षण है इसमें सिंपली बिल्कुल। और खास का एक ऐसा प्रकार है
जो नॉर्थ ईस्ट में बहुत अधिक पाया जाता है जी। और ये पानी में जल्दी खराब भी नहीं होता है, गांव वगैरह में इसके मकान बनाए जाते हैं और ये दसियों साल तक चलते रहते हैं, ये खराब नहीं होता। जी जी, मैं यहाँ पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा समय की ओर भी, हमारे पास सिर्फ 4 या 4.5 मिनट का ही समय है, और आपसे मुझे ये भी पूछना है कि जल संरक्षण के लिए उठाए गए कदम जो कि सरकार के द्वारा है, जैसे आपने ये नागरिकों का बताया नॉर्थ ईस्ट का, इस प्रकार से यदि कुछ और हो तो उसे आप बच्चों को अवगत कराएं। सर और बच्चे भी, हम यहाँ बच्चों को संबोधित करेंगे कि इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत पूरे उत्तर से लेकर दक्षिण तक हमारे जो लोग होते हैं गांव में शहरों में, उन्होंने जल के महत्व को समझा है और अपने आप ही जैसे अभी राजस्थान में टांका देखा, जोहड़ है, उसी तरीके से सिंचाई में हम कैसे करते हैं कि ट्यूबवेल से पानी जाता है और नालियों से होता हुआ खेतों तक पहुंचता है, या नहर का भी पानी हम जब खेतों तक पहुंचाते हैं तो इसी विधि से पहुंचाते हैं, तो इसमें बहुत अधिक अपव्यय होता है पानी का। तो अगर स्प्रिंकलर की सहायता को, स्प्रिंकलर की मदद से अगर सिंचाई की जाए तो उसमें बहुत अधिक पानी नहीं लगता है और पानी का इस्तेमाल बूंद बूंद हो जाता है, तो सरकार ने स्प्रिंकलर के इस्तेमाल पर जोर दिया है। इसके अलावा एक ड्रिप सिस्टम होता है जिसमें पाइप इस तरह से बिछाई जाती है खेतों में कि पौधा जहाँ लगा है उसी जड़ पे ही पानी जाता है, तो ये राजस्थान में और दक्षिण भारत के उन भागों में जहाँ पानी बहुत कम होता है, कुछ बीच में वर्षा छाया क्षेत्र है, उन जगहों पर ये प्रणाली इस्तेमाल की जाती है जिसके कारण पानी का संरक्षण हो जाता है और बहुत कम जल में बहुत अधिक सिंचाई हो जाती है। इसके अलावा जैसे पार्कों में सिंचाई है उसके लिए बहुत शुद्ध जल नहीं चाहिए, तो सीवेज वाटर और इस तरह से जो भी बेकार पानी है जिसे हम गंदा समझ करके किसी काम में नहीं लाते हैं, उसको भी सरकार साफ, ऐसे प्लांट लगाए गए हैं जो कि गंदगी को अलग कर देते हैं और पानी अलग हो जाता है, जिसमें हम पार्क की सिंचाई और इस तरह के काम जो कि डायरेक्ट जी उस पर ये लिखा हुआ होता है कि ये पीने योग्य नहीं है लेकिन सिंचाई वगैरह के काम में लिया जा सकता है जी। हाँ, यानी कि हम पानी के एक एक बूंद का इस्तेमाल अगर कर लेते बिल्कुल, हैं बिल्कुल हम निश्चित ही हमें ना तो पानी की किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, और चूंकि बच्चे छोटे होते हैं इसलिए उन्हें ये बताना जरूरी हो जाता है कि वो किस तरीके से, और बहुत छोटे छोटे तरीके होते हैं कि जैसे जागरूकता अभियान पिछले दिनों बहुत चला है कि पानी जब आप इस्तेमाल करो, घरों में अपनी सिस्टम ठीक कर लो, नल खोल करके आप ब्रश ना करो, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं तो बूंद बूंद से घट भरता है बिल्कुल बिल्कुल, बहुत छोटे छोटे उदाहरण और आम जीवन में उदाहरण जो हमारे प्रस्तुत किए हैं या जो देखे जाते हैं। हम आपको बीच में रोकते हुए एक छोटा सा वो बोलेंगे कि रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी बिना नूरे मोती मानुष चून। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, ये उतना ही तर्कसंगत है ये दोहा जितना जब लिखा गया था तब था और आज भी उतना ही तर्कसंगत है। आप हमारे साथ जुड़ी, आपने ये वाटर रिसोर्सेज का पाठ पढ़ाया जल संसाधन, आज मैं ये कह सकता हूँ कि जल संसाधन का पाठ हमारा पूरा खत्म हो गया है। यस चलिए ठीक है, तो बच्चों को ये जानकर खुशी होगी आप पाठ अगर कोई संख्या है तो बच्चों से उनके प्रश्न अपेक्षित हैं और बिल्कुल बिल्कुल वो जरूर आप तक पहुंचाए जाएंगे। आप हमारे साथ जुड़ी, आपने ये सोशल साइंस का हमारा पाठ पढ़ाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका, धन्यवाद। हमारा सोशल साइंस का ये सेशन यहीं समाप्त होता है, कहीं मत जाइएगा, अभी थोड़ी ही देर में हम फिर हाजिर होंगे मैथमेटिक्स का सेशन लेकर, देखते रहिए पीएमई विद्या चैनल्स। नमस्कार।